मैच जीतने के बाद रोहित शर्मा ने कहा, न्यूजीलैंड को उनके घर में हराना आसान नहीं था। भारतीय क्रिकेट टीम के कार्यवाहक कप्तान रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें वनडे मैच में 35 रन से मिली जीत के बाद टीम की तारीफ की है। भारत ने अंबाती रायड्डू 90, विजय शंकर 45 और हार्दिक पांड्या 45 रन और 2 विकेट के हरफनमौला प्रदर्शन के दम पर रविवार को यहां वेस्ट पैक स्टेडियम में खेले गए सीरीज के पांचवें और आखिरी वनडे मैच में न्यूजीलैंड को 35 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 4-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। रोहित ने मैच के बाद कहा, टॉस के समय ही मैंने कहा था कि हमें एकजुट होकर खेलने की जरूरत है और हमने ऐसा ही किया। 4 विकेट गिरने के बाद हमें एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो वहां टिक सके। रायड्डू और शंकर ने ऐसा ही किया। हार्दिक पांड्या और केदार जाधव ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, हमने बेहतरीन प्रतिभा का प्रदर्शन किया। गेंदबाजों को महत्वपूर्ण समय पर अहम विकेट मिली। जब आप मैच जीतना चाहते हैं, तो आपको सही संतुलन तलाशना होता है। यहां आकर घर में उन्हें न्यूजीलैंड को हराना आसान नहीं था। यह चौथी बार है जब न्यूजीलैंड को अपने घर में द्विपक्षीय सीरीज गंवानी पड़ी है। इस हार से निराश न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने कहा कि नियमित अंतराल पर विकेट गंवाना उनकी टीम को अनहेगा पड़ गया। विलियमसन ने कहा, रनगति हमसे दूर नहीं था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना रहा कि हमने गलत समय पर विकेट बनवाए। उन्होंने रायड्डू के साथ मिलकर अच्छा प्रदर्शन किया। कीवी कप्तान ने कहा, हम जानते हैं कि भारत किसी भी विकेट पर कितनी अच्छी गेंदबाजी करता है। उन्होंने हमें हमारी ही परिस्थितियों में कुछ सबक सिखाया है। वे विश्व स्तरीय टीम है, इसलिए सीरीज जीतने के हकदार थे। वनडे सीरीज के बाद अब दोनों टीमें 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलेंगी। सीरीज का पहला मैच 6 फरवरी को इसी मैदान पर खेला जाएगा।